हेलो एवरीवन यार, पिछले लेक्चर में हमने आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के जो तीन रूल होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, अबाउ रूल, हुंडस रूल एंड पाउली रूल के बारे में, ठीक है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है आपका वेव या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का, ठीक है। तो देखिए यार, ऑर्बिटल वेव फंक्शन से आज तक एक ही टाइप के सवाल आए हुए हैं, इस टाइप के सवाल। ऐसे दे देता है कि साई 420, साई मतलब 322, इस टाइप का नंबर दे देता है, बोलता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साई 422, 420, या फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साई 322। तो इसी टाइप के आज तक के सवाल आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन यार, अगर साई आ ही गया है तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताओ यार, साई ऑर्बिटल वेव फंक्शन होता क्या है, तो कुछ तो आपको आना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि एडवांस का एक अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखें यार, ऑर्बिटल वेव फंक्शन और इसके ग्राफ के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्बिटल वेव फंक्शन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नोड और एंटी नोड के बारे में, क्योंकि टोटली इसका ग्राफ जो नोड और एंटी नोड पर डिपेंड है, ठीक है। तो पहला हेडिंग आप डाल लीजिए नोड के बारे में, ठीक। नोड तो आप लोग जानते होंगे, ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। इसे ये नोड कहते हैं, ठीक है। स्पेस और रीजन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, ठीक है। नोड क्या था, स्पेस और रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। और एंटी नोड क्या हो जाएगा भैया, नोड जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, और एंटी नोड क्या हो जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो एंटी नोड्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम नोड को आपका ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल भी एक ऐसा स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो नोड क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, एंटी नोड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। और एंटी नोड को हम इनडायरेक्टली आपका क्या कह सकते हैं, ऑर्बिटल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब नोड के बारे में हमें पढ़ना है कि नोड कितने टाइप के होते हैं और इनका कैलकुलेशन होता है थोड़ा, ठीक है। तो नोड के बारे में देखिए, नोड जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इसका रेडियल नोड, ठीक है, और दूसरा टाइप इसका जो होता है एंगुलर नोड। ये दो टाइप के आपके नोड होते हैं, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट ओनली एल, ठीक है। रेडियल नोड इक्वल्स टू ये, एंगुलर नोड इक्वल टू ये, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला ये होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला आपका ये होता है। अगर आपको कह दे कि 1s, 2s, 3p, 3s के लिए रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकालो, ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, जस्ट फार्मूला पुट कर देना। जैसे रेडियल 1s के लिए हम रेडियल नोड निकाल रहे हैं, तो 1n की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 माइनस 1, कितना आ गया, 0 रेडियल नोड। 2 इसके लिए निकालें अगर हम रेडियल नोड, तो कितना आएगा आपका, 2 हो गया, 2 में से 0 माइनस कीजिए, 2 में से 0 मतलब 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 1 रेडियल नोड आ गया, ठीक है। इसके लिए 3p के निकालिए कितना आएगा, n की वैल्यू कितना है, रेडियल नोड इक्वल्स टू n की वैल्यू 3 है, p के लिए l इक्वल्स टू 1 होता है, और आपका 1 कितना आ गया रेडियल नोड, 1 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, और इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन का आपका ग्राफ होता है, ठीक है। तो 3s के लिए आप रेडियल नोड निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2 आ गया, ठीक है।
और एंगुलर नोड सीधा सीधी आपका क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ एल के बराबर। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे इसमें, वन एस में जीरो हो जाएंगे। टू एस में भी नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि एस के लिए एल की वैल्यू जीरो होती है। थ्री पी में एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे आपके, एक हो जाएंगे, क्योंकि पी के लिए एल की वैल्यू वन होती है, और इसमें भी एंगुलर नोड आपके जीरो हो जाएंगे। उसी तरह थ्री डी हो गया, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है आपकी, दो होती है, तो उसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो नोड के लिए दो कैलकुलेशन होता है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड के लिए, ठीक है। और टोटल नोड क्या होता है, टोटल नोड इक्वल्स टू होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, ठीक है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था आपका, एन माइनस एल माइनस वन, ठीक है, एन माइनस एल माइनस वन प्लस एल। तो यहाँ पे आ क्या आ गया आपका, टोटल नोड एन माइनस वन। तो अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ 3p में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो 3p में रेडियल नोड कितने निकले, वन, और एंगुलर नोड कितने निकले, वन, टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए आपके, दो आ गए। तो देखिए रेडियल नोड का फॉर्मूला ये होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला ये होता है, और टोटल नोड निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो नोड के बारे में इतना ही है, और जो नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन की वैल्यू इसी के बराबर होती है, नोडल प्लेन, ठीक है। पी ऑर्बिटल में आपको आप देखते होंगे कि नोडल प्लेन की वैल्यू कितनी मिलती है, वन मिलती है सभी पी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने मिलते हैं, दो मिलते हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, दो होती है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये हो गया आपका नोड के बारे में। अब चलिए हम पढ़ते हैं आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में। इसको याद रखिएगा, वो आपका आसानी से हो जाएगा, उसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा, ओके। तो देखो यार, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होता है वो टोटली बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिटल्स के अंदर बिहेवियर क्या है, उसके बिहेवियर को बताता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसे हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, साई डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तीन चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है आपका साई, ठीक। बेसिकली साई जो होता है आपका वो प्रोडक्ट होता है दो फंक्शन का, जो जो साई होता है आपका, अरे यार साई क्यों नहीं बन रहा है, साई जो होता है ये प्रोडक्ट होता है दो फंक्शन का, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, और एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है। साई जो होता है आपका दो फंक्शन का, सॉरी यार, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है। जो पहला फंक्शन होता है रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारा साई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसे हम साई थीटा इंटू फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थीटा और पाई क्या है, जैसे कि देखो, जब हम एक्स वाई को एक्सेस के रूप में लेते हैं तो उसे किसी कार्टिशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, और जब भी हम थीटा और फाई को एक्सेस के रूप में लेते हैं तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। और साई को डिफाइन करने के लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन होता है ना, इसे पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में लिया जाता है, ठीक। साई जो होता है आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन और एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है। और साई जो होता है बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, एन एल और एम पे, ठीक है। साई जो होता है चार क्वांटम नंबर जो होती हैं उनमें से तीन क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है, एन पे, एल पे और एम पे, ठीक है। और चौथी जो क्वांटम नंबर होती है उस पे क्यों नहीं डिपेंड करता, आप लोग जानते होंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो होती है टोटली साई के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा इन तीनों क्वांटम नंबर्स को प्रूफ किया गया। भैया क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रूफ मिलता होगा, इसलिए तो हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो होता होगा, ठीक। तो साई जो होता है क्वांटम नंबर्स के प्रूफ को देता है, और
किन क्वांटम नंबर्स के प्रूफ के बारे में देता है, एन एल और एम, इन तीनों क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा डिराइव किया गया, ठीक है। और जो चौथी क्वांटम नंबर होती है स्पिन क्वांटम नंबर, उसे जो होता है ऑर्बिटररी एज्यूम किया गया, वो मतलब कोई क्वांटम नंबर प्रूफ नहीं की गई है, बस एज्यूम किया गया है कि ऐसा होता होगा और एस को सिर्फ माना गया, ठीक है। और ये तीनों क्वांटम नंबर जो होता है प्रूफ किया गया, ठीक। तो एक मतलब ऑप्शन डाल के नोट डाल के लिख लीजिए कि चारों क्वांटम नंबर्स में से जो एस स्पिन क्वांटम नंबर होती है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा डिराइव नहीं की गई है, बाकी तीनों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा डिराइव की गई है, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है, ओके। और इन दोनों देखिए साइज होता है इन तीनों पे डिपेंड करता है, और रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है, एन और एल पे डिपेंड करता है, और एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एल और एम पे, ठीक है। इसलिए इसका प्रोडक्ट तो इन तीनों पे डिपेंड करता है इसका। तो ये देखिए मतलब एन और एल पे डिपेंड करने का मतलब क्या है, रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन आपका क्या बताता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज क्या बोलता है, प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो होता है एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन, ये शेप के बारे में बताता है, ठीक है। इसी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, एल और एम पे डिपेंड करता है, और ये बेसिकली किसके बारे में बताता है आपका, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक। तो साइज होता है दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, इस बात को याद रखिएगा। और ये ठीक है, इतनी बात है साइज के बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आज तक एक ही टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसे मैं बता देता हूँ आपका। जैसे कि ये देखिए साई 420 साई आपका 422 ले लीजिए, साई 411 ले लीजिए, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साई 420, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साई 422, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साई 411। फोर की जगह में कुछ भी दे सकता है यार, देखो। तो ये जो नंबर होती है ना, ये एन को डिपेंड कर मतलब एन को बताती है, और ये जो होता है एल को बताता है, और ये जो होता है एम को बताता है, ठीक है। तो देखो यार 422 बेसिकली किसको बताएगा, एन इक्वल्स टू 4 आ गया, और एल इक्वल्स टू 2 किस ऑर्बिटल के लिए होता है, डी ऑर्बिटल के लिए होता है, और एम इक्वल्स टू 0, ये देखो यार पी ऑर्बिटल में, ये बात मैं शायद नहीं तुम लोग को बताया हूँ, यहाँ पे देख लो पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें एम की वैल्यू -1, 0, +1 होती है। उसी तरह तुम्हारा डी सबसेल के पास तुम्हारा 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 होती है, ठीक है। इसमें से ये 0 वाला जो होता है ये हमेशा डी जेड स्क्वायर और यहाँ पे पी जेड वाला होता है, ठीक है। एम की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमेशा कौन से ऑर्बिटल होंगे, पी जेड ऑर्बिटल होगा पी सबसेल के केस में, और डी ऑर्बिटल के केस में अगर 0 वैल्यू है तो कौन सा होगा, डी जेड स्क्वायर, ठीक। और इन दोनों में जो -1, +1 है, पी एक्स अगर -1 होगा तो पी वाई क्या होगा, +1 होगा, और अगर py+1 होगा, अगर py अगर देखिए इन दोनों में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, अगर py आपका +1 है py अगर -1 है तो px आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्बिटल में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन जो बीच वाला 0 और 0 जिसकी m की वैल्यू जो 0 होती है वो हमेशा आपका pz होता है। उसी तरह यहाँ पे भी जो m की वैल्यू 0 होती है वो हमेशा dz स्क्वायर होता है ऑर्बिटल, लेकिन और ये देखिए जो
ये वाले होते हैं माइनस टू और टू, ये बेसिकली कौन सा होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा डी एक्स वाई, ठीक है। माइनस वन या माइनस माइनस वन और प्लस टू क्या होता है, इन दोनों ये दोनों ऑर्बिटल होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ठीक है। और माइनस वन और प्लस वन कौन से हो जाएंगे आपके, ये क्या नाम है आपका डी एक्स डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। इन दोनों में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस टू है तो माइनस टू होगा आपका डी एक्स वाई, और अगर डी एक्स वाई आपका क्या बोलता है प्लस टू है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका माइनस टू होगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी अगर एक प्लस वन है तो दूसरा आपका हो जाएगा माइनस वन, अगर एक माइनस वन है तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। तो इन ऐसा आपका होता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे देखिए ये कौन सा एन इक्वल्स टू फोर हो गया और एल इक्वल्स टू टू किस ऑर्बिटल के लिए हो गया डी ऑर्बिटल के लिए हो गया, और जीरो किसके लिए होता है डी जेड के लिए डी जेड स्क्वायर के लिए, तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया फोर डी जेड स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पे देखिए साई 422 का मतलब क्या हो जाएगा फोर एल इक्वल्स टू टू मतलब डी, और देखिए एम इक्वल्स टू टू का मैंने क्या बताया था ये एम इक्वल्स टू टू डी ऑर्बिटल के लिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, और फोर डी एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है, फोर डी एक्स वाई भी हो सकता है, ओके। ये दोनों वैल्यू हो सकती है, ठीक। और इसमें देखिए 411 में इसमें क्या है फोर वन इक्व एल इक्वल्स टू वन किसके लिए होता है आपका पी ऑर्बिटल के लिए होता है, और एम इक्वल्स टू वन किसके लिए हो जाता है आपका दो ऑर्बिटल के लिए, पी एक्स के लिए भी हो सकता है और पी वाई के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पी जेड तो हमेशा जीरो के लिए होता है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो करना आसान है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस टाइप के जो फंक्शन आते हैं उसकी मीनिंग, क्योंकि साइज होता है एन एल और एम पे डिपेंड करता है, और ये जो वैल्यू होती है एन होती है एल होती है और एम की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए अब चलो यार ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, साई का ग्राफ था तुम्हारा साई का ग्राफ, ठीक है। तो साई के ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यार इसका ग्राफ बहुत ही आसान होता है, साई का जो ग्राफ होता है तुम्हारा वो हम तीन टाइप का पढ़ते हैं, ठीक है। साई वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ते हैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ते हैं, और फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें से इसी को हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। इसी को फोर पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है इसे हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। तो साई का ग्राफ तीन टाइप का होता है, ये और ये, ठीक है, बहुत ही आसान होता है यार। और ये ग्राफ हम किसके लिए पढ़ते हैं, डिफरेंट सबसेल के लिए, जैसे कि 1s के लिए 2s के लिए 3p के लिए 3s के लिए 3d के लिए, ठीक है। इन डिफरेंट सेल के लिए हम साई का इतने ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए यार एक एक करके ये तीनों ग्राफ बनाते हैं, एक सीख जाओ बाकी सबका आपको आसानी से आ जाएगा। बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि s का ग्राफ जो होता है हमेशा इन्फाइनाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और अदर ऑर्बिटल p और d ऑर्बिटल का जो ग्राफ होता है आपका p और d ऑर्बिटल का ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। s ऑर्बिटल ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और p और अदर जितने ऑर्बिटल होते हैं उसका ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होके हमेशा इन्फिनिटी की ओर जाता है। किसी भी ऑर्बिटल का ग्राफ देखिए, s ऑर्बिटल का ग्राफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होके इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और p और d ऑर्बिटल का जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होके इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ कैसे बनाना है ध्यान से सुनिए, 1s के लिए हम बनाते हैं आपका साई वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है, 1s के लिए, और यहां पे हम बनाते हैं आपका 3s के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ। साई वर्सेस आर का समझ जाइए, बाकी दोनों जो थे उसका अपने आप आ जाएगा आपको, ठीक है। साई वर्सेस आर का बस समझ जाइए, बाकी दोनों अपना आप। तो ये 3s के लिए हम पढ़ रहे हैं,
बना रहे हैं, ये 1s के लिए बना रहे हैं, साई साई वर्सेस आर। ठीक है, देखिए किसी भी सबसेल का अगर आपको ग्राफ बनाना है साई वर्सेस आर का, तो पहले क्या उसके लिए आप रेडियल नोड निकालिए। ठीक है, इसमें रेडियल नोड कितने हैं, 0 है, क्योंकि रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, एन माइनस एल माइनस वन, तो एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है और माइनस वन, तो रेडियल नोड नंबर ऑफ कितने आ गए, 0। किसी का भी ग्राफ बनाना होगा तो पहले रेडियल नोड निकालिएगा। ठीक है, इसमें रेडियल नोड कितने, 3 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 2। ठीक है, तो रेडियल नोड इसमें कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब याद, रेडियल नोड निकालने के बाद ये बात याद रखना कि जितने रेडियल नोड किसी सबसेल के पास होंगे, ग्राफ उतनी बार इस रेडियस एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जितने रेडियल नोड किसी सबसेल के पास होंगे, ग्राफ उतनी बार आपको, आप इस ग्राफ उतनी बार इस रेडियल एक्सिस को कट करेगा। जैसे कि 1s के पास 0 आपके क्या नाम है, रेडियल नोड है, तो इसका ग्राफ देखिए, एस का ग्राफ जो होता है इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और हर ऑर्बिटल का ग्राफ जाता कहाँ है, इन्फिनिटी की ओर जाता है। ठीक है, तो इसमें 0 रेडियल नोड है, इसलिए एक बार भी आपका इस रेडियल एक्सिस को ये ग्राफ कट नहीं किया, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी की ओर चला गया। उसी तरह 3s का देखिए, इसमें 2 रेडियल नोड है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 रेडियल नोड है तो एक बार कट किया, ठीक, फिर दूसरी बार कट किया, और वापस कहाँ जाएगा आपका, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। ठीक है ग्राफ, ओके, 3s में कितने रेडियल नोड है आपके, 2, तो मैंने क्या कहा था, जितने रेडियल नोड मिलेंगे उतनी बार ग्राफ जो आपका रेडियल एक्सिस को कट करेगा, और ये कटिंग पॉइंट क्या बताता है आपको, नोड बताता है। ठीक है, नोड क्या होता है, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0। तो देखिए 3s का ग्राफ क्या हो गया, ये हो गया, क्योंकि इसमें 2 रेडियल नोड है, इसलिए ये 2 बार रेडियल एक्सिस को कट करेगा। उसी तरह आपका पी का अगर बनाएं हम ग्राफ, आपका 3p के लिए साई वर्सेस आर का ग्राफ बनाएं, साई वर्सेस आर का, तो 3p में रेडियल नोड कितने हैं आपके, 1 रेडियल नोड है, 1 रेडियल नोड है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, एस को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्बिटल के ग्राफ, सबसेल के ग्राफ होते हैं आपके ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, तो ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, कितने आपके क्या इसके पास हुआ है रेडियल नोड, 1 रेडियल नोड है, तो एक बार इसके रेडियल एक्सिस को कट कराइए, और फिर ग्राफ कहाँ मुड़ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाना यार बिल्कुल ही आसान है, जिस भी सबके सबसेल के लिए आपको ग्राफ पूछ रहा है, उसके लिए पहले रेडियल नोड निकालिए, और रेडियल नोड निकालने के बाद आपको ये याद रखना है कि जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार ग्राफ जो होगा रेडियल एक्सिस को कट करेगा, अगर रेडियल नोड नहीं है तो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, और 1s का जो s ऑर्बिटल का ग्राफ होता है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और अदर सब ऑर्बिटल का ग्राफ जो p और d का होता है वो आपका क्या से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब एक बार साई वर्सेस आर का ग्राफ आप बना लिए, तो साई स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। भैया किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, उसकी नेगेटिव चीज़ जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और आप जानते हैं कि ये वाला पोर्शन जो पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है ये, और उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर साई स्क्वायर वर्सेज आर के लिए यही सारे ग्राफ आप बना रहे हैं, 1s के लिए, 3s के लिए और 3p के लिए, तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है उसको पलट के पॉजिटिव कर दो, जस्ट इसका मिरर इमेज ले लो, क्योंकि यहाँ पे साई स्क्वायर है, और किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसकी नेगेटिव चीज़ जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो यहाँ पे तो कोई भी नेगेटिव नहीं है, ग्राफ एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, 1s का ग्राफ साई स्क्वायर वर्सेज आर और साई वर्सेज आर के लिए एक ही होगा। उसी तरह 3s के लिए अगर आप बनाना चाहें साई स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ, तो कैसे बनेगा, तो मैंने क्या कहा था, एस का ग्राफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक, इसकी नेगेटिव जो चीज़ है उसको, नेगेटिव पोर्शन जो है इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव हो गया, और ये ऐसे आपका ग्राफ इन्फिनिटी की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, जितने रेडियल नोड थे उतनी बार ग्राफ आपका
रेडियल एक्सिस को कट कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार ग्राफ आपका रेडियल एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें जो जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार ये आपका रेडियल एक्सिस को टच करेगा। उसी तरह से पी का भी देख लीजिए, इसमें रेडियल नोड कितने हैं, वन है, और इसकी नेगेटिव पोर्शन ये देखिए, ये 3p के लिए साई स्क्वायर वर्सेस आर का हम ग्राफ बनाए, तो क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा ऐसे क्या, और इसकी ये जो नेगेटिव वैल्यू है आपका पॉजिटिव भी रह जाएगी और ये इन्फिनिटी की ओर मुड़ जाएगा। एक रेडियल नोड है इसलिए ये एक बार रेडियल एक्सिस को टच किया, ठीक है। तो देखो यार ग्राफ बहुत सिंपल होता है, देखो कितने रेडियल नोड हैं, जितने रेडियल नोड होंगे उतने बार साई वर्सेस आर का ग्राफ रेडियल एक्सिस को कट करेगा। साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर कर दो तो नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जितने रेडियल नोड होते हैं उतनी बार ग्राफ जो होता है रेडियल एक्सिस को टच करता है, ठीक। और आपका एक ग्राफ जो बन जाता बद ये तो हो गया आपका साई और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। अब एक ग्राफ और बच जाता है आपका किसके लिए, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर के लिए, उसका भी रोल यही होता है। जैसे कि 1s के लिए अगर हम बनाएं आपका 1s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस आर से, तो इसका जान लीजिए इसका ग्राफ किसी भी ऑर्बिटल के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होगा। क्यों ओरिजिन से स्टार्ट होगा, देखो यार यहाँ आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आर आ रहा है, तो इसका ग्राफ, इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है हर एक ऑर्बिटल के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, जितने रेडियल नोड होंगे, रेडियल नोड उतने नंबर ऑफ पहाड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ इसका कैसे बनेगा रुके बता रहा, जैसे कि 1s में 0 रेडियल नोड है तो नंबर ऑफ पहाड़ी कितनी होगी इसकी, एक होगी, और ऐसे करके आपका इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, 3s के लिए अगर बनाना तो 3s में रेडियल नोड कितना था, रेडियल नोड 2 था आपका, ठीक है। तो 2 रेडियल नोड है तो 3 पहाड़ियाँ होंगी, 1 2, ठीक है। जितने रेडियल नोड होंगे उतने पहाड़ी बनाएंगे, और हर बार, सॉरी यार, हर बार पहाड़ी की जो साइज होगी ना वो बढ़ती जाएगी, हर बार जो होगी पहाड़ी की जो साइज होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसमें भी जितने आपके रेडियल नोड होंगे उतनी बार ग्राफ जो होगा रेडियल एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। उसी तरह इसका अगर बनाना है 3p का आपको बनाना है, इसमें किसी का भी ग्राफ आपका निगेटिव नहीं होगा, और सभी ऑर्बिटल का ग्राफ जो होता है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जितने रेडियल नोड होंगे उतने आपका ये ग्राफ जो होता है रेडियल एक्सिस को टच करेगा, और जितने रेडियल नोड होंगे उससे ज़्यादा एक ज़्यादा पहाड़ी होगी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे 2 रेडियल नोड थे तो 3 पहाड़ी बन गई, 3p में आपका रेडियल नोड कितने हैं, 1 है, तो करना क्या है भैया, ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, किसी का एक रेडियल नोड है तो एक बार टच कराओ, दूसरी पहाड़ी बना के इन्फिनिटी की ओर ग्राफ लेके चला जाओ। ये किसका हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ हो गया वर्सेस आर, किस ऑर्बिटल के लिए, 3p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको बोध दे सकता है कि एक ऑर्बिटल दे देगा और चार ऑप्शन में ऐसे चार ग्राफ, दो चार ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बताओ 3s के लिए कौन सा ग्राफ सही होगा, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ भी पूछ सकता है आपका, साई वर्सेस आर का ग्राफ भी पूछ सकता है, और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। तो साई वर्सेस आर का ग्राफ अगर आप जानते हैं तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना, उसकी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देनी है, ठीक है। और साई स्क्वायर साई वर्सेस आर में आपका ग्राफ क्या होता था, एस ऑर्बिटल का ग्राफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होता था और अदर ऑर्बिटल का ग्राफ जो था आपका ओरिजिन से स्टार्ट होता था। लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर में, किसी भी ऑर्बिटल का ग्राफ, किस कोई ऑर्बिटल चाहे कोई भी हो, उसका ग्राफ आपका कहाँ से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जितने रेडियल नोड होंगे उससे एक ज़्यादा आपकी पहाड़ी होगी, और ग्राफ स्टार्ट होकर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटली ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में, बहुत ही सिंपल होता है यार। आज तक मैं बोला हूँ एक ही टाइप के क्वेश्चन है,
अगर आज गया ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ देखो कितना सिंपल है, सिर्फ रेडियल नोड निकाल के बस देख लेना है कितनी बार रेडियल एक्सिस को कट कर रहा है या टच कर रहा है, वही ग्राफ हो जाएगा। जितने रेडियल नोड होंगे उतनी बार रेडियल एक्सिस को कट या टच करेगा। तो ग्राफ पहचानना बहुत ही आसान है, बनाना भी बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेव या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, सारी चीज़ें खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो एकदम थ्योरी पे बेस्ड होंगे, और मैं थ्योरी पढ़ाते समय उन क्वेश्चनों को करा चुका होगा, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।